हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन 2। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ टू कंजुगेटिव्स। एचसीएफ भी आपको पता, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कंजुगेटिव मींस जो लगातार होते हैं। तो सबसे पहले पार्ट ए है हमारे पास, टू कंजुगेटिव नंबर्स। तो नंबर्स कोई भी हो सकते हैं जो दो लगातार नंबर आते हैं। मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी दो नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास नंबर है 12 और 13। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे 12 के फैक्टर क्या होते हैं। 12 के फैक्टर होते हैं हमारे पास 2। यहाँ पर हम आपको 12 के फैक्टर करके दिखाते हैं। 2 6 12। 6 के फैक्टर करेंगे तो 2 3 6। तो इट मीन्स हमारे पास यहाँ पर फैक्टर हो गए 2 2 और 3। नेक्स्ट हमें चाहिए 13 की। अब 13 प्राइम नंबर है तो उसका फैक्टर सिर्फ 1 और 13 ही होता है। तो देखिए, यहाँ पर कॉमन कोई भी फैक्टर नहीं है। लेकिन जब अगर नंबर्स में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आता है तो जो एचसीएफ होता है वो हमेशा होता है 1। क्यों होता है? क्योंकि 1 से हम 12 को भी डिवाइड कर सकते हैं, डिविजिबल होगा 1 से, और 13 को भी हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं। इट मीन्स 1 तो हर नंबर का फैक्टर होता ही है। तो अगर किन्हीं भी नंबर्स का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आता है तो वहां पर एचसीएफ हमेशा क्या होगा? 1। नेक्स्ट कम टू द पार्ट बी, टू इवन नंबर्स। तो मान लीजिए हम कोई भी इवन नंबर्स ले रहे हैं। मान लीजिए एक नंबर हमारे पास 6 और कंजुगेटिव मीन्स उससे नेक्स्ट, तो उसके बाद 7 तो इवन नहीं है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या होगा? 8। तो हमारे पास दो कंजुगेटिव इवन नंबर्स हैं, 6 और 8। तो हम 6 के फैक्टर करेंगे तो 2 3 6 होता है। तो इट मीन्स 6 के फैक्टर हो गए हमारे पास 2 और 3। अगर हम 8 के फैक्टर देखें तो देखिए 2 4 8, 4 को हम आगे कर सकते हैं, 2 2 4। तो यहाँ पर हमारे 8 के फैक्टर हो गए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है? 2। तो यहाँ पर हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2। इट मीन्स अगर कोई भी दो इवन नंबर्स हैं तो हमेशा उसका एचसीएफ 2 तो होगा ही होगा। और क्योंकि कंजुगेटिव 2 नंबर्स है इवन, तो वहां पर एचसीएफ हमेशा 2 होगा, क्योंकि 2 इवन नंबर्स को हमेशा डिवाइड करता है। या हम ये कह सकते हैं कि जो इवन नंबर्स होते हैं वो 2 से डिविजिबल होते ही हैं। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा? 2। नेक्स्ट पार्ट सी, ओड नंबर्स। तो सबसे पहले तो हम कोई भी दो ओड नंबर्स ले लेते हैं। मान लीजिए एक नंबर हमारे पास 14 तो ओड नहीं है, एक नंबर हमारे पास मान लीजिए 15। अब इसका नेक्स्ट क्या होगा? 16 इवन है तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा? ओड 17। तो यहाँ पर हम देखिए पहले 15 के फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 15 के फैक्टर हो जाएंगे क्या? 3 5 15, दोनों ही प्राइम नंबर है तो 3 और 5 हो गया। 17 के फैक्टर निकालेंगे तो हमारे पास 17 के फैक्टर क्या होंगे? 17 का फैक्टर सिर्फ 1 और 17 ही होता है। तो देखिए, यहाँ पर भी हमारे पास कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, तो इट मीन्स यहाँ पर भी हमारा एचसीएफ क्या होगा? 1। इसका मतलब क्या है कि अगर किन्हीं भी दो या तीन नंबर्स में कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकलता है तो वहां पर एचसीएफ हमेशा 1 होता है, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जो सबको डिवाइड कर सकता है। आई होप आपको तीनों पार्ट अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।